हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के माइनक्राफ्ट के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको लग रहा होगा कि मैं माइंड के पास से आज वीडियो क्यों शुरू कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे आपको एक सरप्राइज़ दिखाना है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत मेहनत किया है। तो पहले आप देख लीजिए मैंने क्या किया है। बहुत समय लग गया, इसलिए मैंने एपिसोड अपलोड नहीं किया था, और पिछले माइनिंग वाले वीडियो में इतना अच्छा भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा आया था पर इतना भी अच्छा नहीं था जो देखने के लिए तैयार हो जाए। 3, 2, 1। और ये देखिए, मैं 4-5 दिन से बस माइनिंग ही किया जा रहा था ऑफलाइन बैठ के, तो मैंने बहुत सारा जगह खोद दिया है। देख सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा जगह खोदा था, यहाँ पर चेस्ट लगाया था, और मैं खोदते खोदते देखिए इधर भी टनल गए हैं बहुत सारे। ये पूरे केव को मैंने खोखला कर दिया अंदर से, तो पता चला कि इधर बहुत सारे केव आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर से मैं ऑब्सिडियन लेने आया था पिछले वीडियो में, और इस चेस्ट में मैंने सब संभाल कर रखा है। देखिए मुझे क्या क्या मिला। मुझे 8 डायमंड भी मिले हैं, और बहुत सारे रेडस्टोन, लेपिस लाजुली, गोल्ड, आयरन, और मुझे एक स्पॉनर मिला था, उससे भी मुझे नेम टैग ये सब मिला है। और ये सब थोड़ा खोदने पर एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो सब है। यहाँ पे देख सकते हैं 10-10 फर्नेस लगाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही काम आते थे, पर फिर भी मैंने लगा ही दिया था। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 डायमंड दिखा, उसको खोदने पर 3 मिले। फिर मैं थोड़ा आगे गया, फिर मुझे एक और 5 वाला ब्लॉक का एक मिला। फिर मैं थोड़ा आगे गया, मुझे एक स्पॉनर मिला, उससे मुझे ये सब लूट मिले, और एक 2 चेस्ट थे उसमें, इसमें नेमटेग और सैडल भी मिल गया। फिर मैं वहाँ से थोड़े दूर आगे गया, और मैं एक विलेज में मुझे ये सब मिला जो कि रुइंड विलेज था। वहाँ से 3 डायमंड और ये एक रुइंड पोर्टल, उससे मुझे ये मिला। तो वापस अपने एपिसोड में आके बढ़ते हैं। तो पहले मैं इन सबको घर लेना चाहता हूँ, इसलिए इनको थोड़ा सा शॉर्ट करके रख देते हैं, इनका ब्लॉक बना लेते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है, जितना हो सके ब्लॉक बना दिया, और बाकी का मैंने बस वैसे ही छोड़ दिया। अब चलते हैं अपने घर को। बहुत दिन हो चुके हैं, अपने घर तक नहीं गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो इतने सारे डॉग हैं उनका और भी ब्रीडिंग कर दूँ, और उनका एक बड़ा सा आर्मी बना लूँ, ताकि जब भी उडन मेंशन ये सब जाएंगे तो वहाँ पर हम उनसे अच्छे से लड़ पाएंगे। आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगता है तो बताइए, मैं अगली वीडियो में उनके लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, वहाँ पर उनको ब्रीडिंग कर करके बहुत सारा एक बड़ा सा आर्मी बना लेंगे। फिलहाल अभी रात हो रही है, पर अच्छा हुआ मैं बेड ला के रख देता हूँ, क्योंकि माइनिंग से जाते वक्त घर में बहुत सारा रास्ता है, और वहाँ पर अगर मॉब आके मैं मार देंगे तो हमारा बहुत सारा लूट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए तो हम उठ चुके हैं, यहाँ पर क्रीपर भाई साहब हैं, बचते हुए घर को चल लेते हैं। ये रहा पिछले वीडियो में बनाया हुआ हमारा क्रीपर फार्म, और ये रहा उसका AFK वाला जगह। इसको वाई एक्सिस के 150th ब्लॉक में रखना होता है। मैं ये सर्वाइवल में कर रहा था, इसलिए 3 बार मर चुका हूँ, और लेवल भी बहुत हद तक कम हो गया। देखिए पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं ऊपर चढ़ने से पहले। तो देख सकते हैं मैंने साइड में इसलिए थोड़ा पानी बना दिया, क्योंकि अगर गलती से गिर जाऊँ तो पानी में गिरूँगा तो हेल्थ नहीं जाएगा। ये बहुत ऊपर तक गया है, देख सकते हैं, और ये मैं आसमान की ऊँचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। 20 minutes later, ऊपर जाने में नींद आ जाता है, इतना ऊपर है, बादल से भी ज़्यादा ऊपर है। मैंने बादल को शायद ऑफ कर दिया है, देखना पड़ेगा क्लाउड वाला सिस्टम को। यहाँ से मैंने ग्लास से बनाया है, क्योंकि इससे आर पार देख सकते हैं और अच्छा भी लगता है, और यहाँ पर टॉर्चेस लगा दिए ताकि कोई स्पॉन ना हो। यार अभी इसको नीचे चलते हैं। अब देख सकते हैं दूसरा टावर मैं आधा ही बना के छोड़ दिया हूँ, कब से बनाया नहीं हूँ, बनाना पड़ेगा। वो मैं ऑफलाइन बनाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा करना तो नहीं है, इतना भी बड़ा नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ पीछे से हमारे घर को और भी बड़ा बनाएंगे। टेक्नो गेमर्स का आपने देखा होगा, उनका कैसल कितना बड़ा है, हम भी सोच रहे हैं उतना ही बड़ा बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें डायमंड तो और भी मिल चुका है, तो हम अपना एन्चेंटमेंट टेबल बना लेते हैं, ताकि हम एन्चेंटमेंट भी कर सकें। तो सब मैंने ये सब संभाल के अपने इन्वेंट्री में, सॉरी चेस्ट में रख दिया है, और वैसे भी बहुत सारा चीज़ें इधर उधर हो चुका है। मैं अगले एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो चेस्ट संभाल के रखूँगा। तो मैं अपने थोड़ा विलेजर्स के पास आ चुका हूँ, इधर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्राफ्ट कार्टोग्राफर्स को करीब करीब मैक्स ही कर लिया है, और इधर मैंने वो लेक्टन उस विलेज से चोरी करके यहाँ पर लगा दिया है, ताकि इनमें से कोई लाइब्रेरियन बन जाए, पर कोई बन नहीं रहा है। शायद मुझे खुद बनाने के लगाने पर ही होंगे या क्या, थोड़ा चैट में ज़रूर बताना।
या फिर अगर मैं वीडियो को एडिट करते वक्त अगर मेरा कोई अगर लाइब्रेरियन बन गया होगा तो मैं एंड में लगा दिया होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और बोलोगे कि तुमने ये क्रिएटिव से किया है। तो हमारे एंचेंटमेंट टेबल के लिए हमें 3 ऑब्सीडियन लगेंगे, तो वापस हमें माइन में जाके 3 ऑब्सीडियन लेके आना पड़ेगा। और उससे पहले हमारा सबसे बुरी बात यह है कि हमें डायमंड पिकेक्स लेके जाना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो गुम ना हो जाए। तो मैं चलता हूँ और ऑब्सीडियन तोड़ के आता हूँ। पर उससे पहले मुझे एक याद आया, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक हॉर्स को वो सेडल मिला था, इसलिए मैं उसको टेम करके उसके साथ मैं गया था रुइन विलेज को। पर उस वक्त लौटते वक्त रात हो गया था और रिवर पार करना था, तो मैं रिवर के बीच में ही उसको छोड़ कर चला गया था। पर वो अभी मुझे वापस नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया है, अगर मैं मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। तो ये मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, इसलिए मैंने दूसरे एक हॉर्स को मैंने टेम करके दूसरा सेडल पहना दिया, क्योंकि मुझे 2 मिले थे, एक रुइन विलेज में और एक मुझे यहाँ पे स्पॉनर के पास। तो अभी चलते हैं, ऑब्सीडियन तोड़ के आते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से कूदते हुए अंदर चलते हैं। हाँ, यहाँ याद आया कूदते हुए बोलने पर, मैं जो पिछला घोड़ा था उसको आते वक्त मैं से ही कूद कूद के जा रहा था और मैं गलती से मर भी गया था। तो ठीक है, ऑब्सीडियन भी मिल गया है, अभी चलते हैं सीधे घर की ओर। एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हाँ, बस आयरन का स्वॉर्ड है, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। अभी वापस अपने घर चलते हैं एंचेंटमेंट टेबल बनाने। एक मिनट, इस टेबल में मैं वुड रखा था ना, हाँ वुड्स को ले जाते हैं, नहीं तो वापस मुझे काटना पड़ेगा। इधर बहुत सारे मैं वुड ला के रख दिया था, खाना भी ला दिया था ताकि मुझे बाहर जाना ना पड़े, आराम से बहुत दिनों तक यहाँ पे माइनिंग करूँ। तो मैं वापस आ चुका हूँ और अभी एंचेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर लेते हैं। हो गया है, तो अभी इसको पावर देने के लिए बहुत सारे बुक सेल्फ लगेंगे, अभी जितना हो सकेगा उतना कर लेते हैं, बाद में धीरे धीरे कर करके जितना होगा और लगाते जाएंगे। और हमें 15 लगाना होता है पूरा पावरफुल, सबसे हाईएस्ट वाला पावर को लाने के लिए 30 लेवल तक का। तो देखते हैं, मेरे पास और कुछ बुक सेल्फ्स और लेदर ऐसे कुछ है तो जिससे मैं और बना पाऊँ, देखता हूँ जितना हो सकेगा उतना बनाएंगे, नहीं तो बाकी मैं धीरे 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 ऑफलाइन नहीं तो वीडियो के बीच बीच में ऐसे ही कलेक्ट कर करके लगा देंगे। यहाँ पर और थोड़ा पेपर है, देखते हैं और कुछ मिलता है क्या यहाँ पर से, और कुछ शायद नहीं है, नहीं यहाँ पर पेपर नहीं है। थोड़ा शुगर कैन ले लेते हैं, इससे पेपर बना देंगे। अभी इसमें देखते हैं इसमें भी कुछ है या नहीं, इसमें भी थोड़ा पेपर है और बस इसमें और कुछ नहीं, इसमें तो नहीं होगा, हाँ इसमें भी नहीं है। तो चलते हैं, जितना हो सकेगा उतना बुक सेल्फ बना लेते हैं, फिर देखते हैं कितना पावर तक हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बुक बना लेते हैं, फिर बुक सेल्फ बना लेंगे और इतना ही होगा शायद, हाँ अभी बुक सेल्फ बना लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा कितना पावर तक हो चुका है। अभी जाके ऊपर लगा लेते हैं इन सबको। तो मैंने जानबूझ के एक सेंटर में ही टॉर्च लगाया था ताकि पता चल सके ये सेंटर क्या है, अच्छा लगेगा इसलिए पहले बीच में इसका पीछे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ पर लग जाएगा। फिर इसको एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के लगाना है हमें, जैसे कि हमारा ये वाला है उसका साइड में लगा देंगे, तो वैसे ही इसके आगे एक और लगा देंगे, हाँ अब लगा, फिर वैसे ही इस साइड भी वैसे ही कर देंगे। इसका बहुत सारे पैटर्न है पर मुझे ये वाला पैटर्न यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए ऐसे लगा रहा हूँ यहाँ पर, और बाकी के 3। तो यहाँ पर हमारा इतना हो चुका है, बाकी हमें 15 लगाने पर इसका 30 लेवल तक का मिलेगा। तो मैं कुछ दिन तक ऑफलाइन खेला हूँ और मुझे मैंने एंचेंटमेंट देखा, मुझे फेदर फॉलिंग 3 लेवल 20 में मिल जाएगा और मेरे लाइब्रेरियन मुझे इम्पेलिंग 5 और हमें ये एफिशिएंसी 5 भी दे रहे हैं। और तब तो मेरा मास्टर वाला कार्टोग्राफर मुझे ओशियन एक्सप्लोरर और वुडलैंड मेंशन का मैप भी दे रहा है। तो अगले या उससे बाद वाले एपिसोड में हम उसे भी देखने जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause I'm